नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से, जहां मुख्य मार्ग व घरों में हो रहे जल जमाव तथा पोखरी पर कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। बता दें कि अतरौलिया के स्थानीय क्षेत्र के मंडोही गांव में RCC मुख्य मार्ग पर व घरों में नाबदान का गंदा पानी जमा होने से लोग आक्रोशित होकर मंगलवार को जल जमाव के बीच खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किए। ग्रामीणों के अनुसार लोगों के नाबदान का पानी ग्राम सभा के अंतर्गत बगल ही स्थित पोखरी में अगल बगल के काश्तकारों के नाबदान व बरसात का पानी बहता है। वहीं लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा पोखरी को पाटने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही, जिससे गांव का रास्ता व लोगों के मकान में पानी जम रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र में हल्का लेखपाल ने उक्त पोखरी का सीमांकन व निशानदेही भी कराया था, लेकिन अब तक उक्त पोखरी पर अतिक्रमण होने के कारण लोगों के घरों व सड़क पर काफी जल जमा हो रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में भी जल जमाव को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर को ज्ञापन सौंप कर पोखरी को अतिक्रमण मुक्त व जल जमाव की समस्या से समाधान की मांग किए हैं। शिकायत करने वालों में प्रधान छोटेलाल, जनार्दन यादव, योगेंद्र फारूक आदि शामिल हैं। आइए सुनते हैं कि ग्रामवासियों ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। मेरा नाम देवव्रत यादव मोनू है और मैं मड़ोही का निवासी हूँ, क्षेत्र 50 सदस्य भी हूँ। अभी क्या दिक्कत है, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं? ये दिक्कत पिछले कई सालों से चली आ रही है, लेकिन इस वर्ष जो है पूरी तरीके से जो बंजर जमीन थी उसको कब्जा कर लिया गया, पोखरी जो थी उसको कब्जा कर लिया गया, और जिससे आम जनमानस को बहुत दिक्कत हो रही पानी की। अभी जल निकासी के लिए क्या समस्या उत्पन्न हुई है? जल निकासी के लिए जो है अब यहाँ के प्रधान से कहा गया, कई बार जो एप्लीकेशन दिया गया या DM साहब को दिया गया, DM साहब तक हमने खुद जा करके दिया है, निर्देश हुआ, मगर जो है उसका यहाँ पर आने के बाद दुरुपयोग किया गया, उनके आदेश का कोई काम नहीं हो पाया है। और अब यही चाहते हैं कि हम लोग किसी तरीके से जितना भी पोखरी है, कागज़ में एक सरकारी पोखरी है, उसको निकाल करके और फिर यहाँ से एक नाली का निर्माण करके पानी आगे निकाला जाए, क्योंकि पोखरी छोटी होने की वजह से और तमाम घरों का पानी यहाँ से लेके आधे गांव तक का पानी यहाँ उपलब्ध होता है, जिससे सड़न पैदा होती है, तमाम बीमारियाँ फैलने की आशंका हो गई हैं। आप देखिए इस गर्मी के मौसम में इतना पानी लगा हुआ, वो भी इतना बदबूदार पानी है, यहाँ आना जाना लोगों का दुर्लभ है, आसपास के एकदम इलाके में घरों में पूरा बदबू फैल चुकी है, लेकिन यहाँ के कोई भी ना तो नेतागढ़ ना तो कोई अन्य लोग यहाँ कोई चीज़ नहीं देख रहे हैं कि यहाँ आम जनमानस की क्या समस्या है। बस दिन भर आए दिन कहते रहते कि हाँ हाँ कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, आश्वासन मिलता रहता है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब हम लोगों से यही कह रहे हैं, आम जनता यही कह रही है कि इसको जो है पोखरी को निर्माण करके जितना भी कागज़ में है यहाँ से एक नाली का प्रबंध किया जाए, ताकि सुचारू रूप से जैसे गाँव चल रहा था वैसे चल सके। का नाम भाई? उर्मिला। कौन गाँव के आते हो? मड़ोही। का दिक्कत है? या पानी बहुत कीचड़ा हो जाता है, सबका घर में रुक जाता है, सब आता जाता है। कहाँ पानी लग रहा है? ये का लग रहा है सड़क पे? हाँ। तो आप लोगों ने कहीं प्रार्थना पत्र दिया था इसके लिए? हाँ। किससे शिकायत की? तहसील पर गया। जिलाधिकारी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोगों का पानी निकले। क्या नाम है? जाहिदा खातून। कहाँ के निवासी हैं? मड़ोही। आज क्यों यहाँ आप लोग इकट्ठा? यही पानी की दिक्कत है और कुछ नहीं। क्या दिक्कत है? ये घर में पानी जाता है, कैसे आ जाएगा आदमी, इतना कचरा है, रोड पे पानी लगा रहता है। शिकायत आप लोगों ने कहाँ कहाँ किया? जिला अधिकारी के पास। तो अभी क्या मांग है आप लोगों? हम लोग का मांग है ये गाड़ा में पानी जाना चाहिए, गाड़ा खुदाना चाहिए। बाबू राम पलट यादव। कहाँ के निवासी हैं? मड़ोही। क्या समस्या है? समस्या यह है साहब, गाड़ा पटावत हुए और एकदम से यह कान कान गोली मार दे ऊपर से। बीज बिहारी और बीज बिहारी का लड़का। अच्छा। हाँ। अभी क्या दिक्कत है आप लोग? अब यही दिक्कत है साहब की, मतलब यहाँ से गाड़ा जवान है कि मतलब खुदाई हो जाए चाहिए हर हालत में। कागज में है गाड़ा? हाँ, गाड़ा में कागज है। कागज तो जरूर है वहाँ, वो तो हो भाई करी। गाड़ा का नंबर पता? कितना नंबर होगा गाड़ा का नंबर? एप्लीकेशन में है। तो दादा शिकायत कहाँ कहाँ की है आप? शिकायत तो बाबू यहाँ से बूढ़नपुर तक है। अच्छा।
आजमगढ़ तक है और समझ लीजिए थाने तक का है और कोई सुनवाई नहीं है। क्यों कि प्रधान घूस लेकर और अपने टाली से पटा रहा था। अभी क्या मांग है आप लोगों की? यही मांग है गाड़ा मतलब जब गाड़ा उकल जाए खुदाई जाए तो ये पानी निकल जाए। मेरा नाम बलवंत यादव, मड़ोही। क्या दिक्कत है? जो दिक्कत है ये बहुत बड़ी है, यहाँ जो है रोड पे पानी लगता है, कम से कम 50 घर का पानी यहाँ आता है, हैं? और ये एक बार जो है हाई कोर्ट के आदेश से यहाँ पूरा अधिग्रहण हटा हुआ है, हैं? उसके बाद प्रधान मिलके जब कोई अधिकारी कर्मचारी इनको निर्देशित करके जाता है कि आप गाड़ा खुदवा दीजिए, ये बोलते हैं आप लोग जाइए सर खुदवा देंगे। फिर क्या पैसा लेते हैं, क्या करते हैं, क्या कंडीशन, देखिए आज वो वही उसी के वजह से ये स्थिति बनी हुई कि लोग अपना गोबर लेके जाते हैं, छेड़ी भैंस लेके जाते हैं इसी पानी में कि सब लोग अपना आती जाती है। शिकायत कहाँ कहाँ? शिकायत वही जान लीजिए, हाई कोर्ट का आदेश हुआ है, खुद जो है SP साहब तक यहाँ अधिग्रहण हटवाए हैं, SP साहब तक अधिग्रहण हटवाए हैं। अभी क्या मांग है? हम लोगों की मांग है तो जल्द से जल्द बरसात के पहले इसका निदान हो, नहीं तो सबके घर में पानी रुकेगा, पूरी जनता परेशान हो जाएगी और प्रधान के घर या चाहे जहां धरना प्रदर्शन चाहे रोड पे हर तरह से जनता हमारी तैयार है। और मैं पूरे जो है क्या नाम है प्रत्याशी हूँ, प्रधान पद प्रत्याशी हूँ, मैं हारा हुआ प्रत्याशी हूँ लेकिन प्रधान पद प्रत्याशी हूँ।